Hello everyone, welcome to Operating Systems lecture. And today we are going to start our unit number 5, and the topic with which we are starting, that will be disk structure. Now this will be a completely theoretical concept, and the important topics which is mostly asked in the university is the disk scheduling, that we will be covering later in the next video. But this is the basics of the disk structure that you need to understand before attempting the disk scheduling's algorithms. So let's start with the basic introduction of what is disk and how it works. Now talking about the disk structure, see, basically the data in the memory, अगर हम लोग बात करें तो इज स्टोर्ड इन द डिस्क ओनली, राइट, जो हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं. तो जो बेसिक हमारा डेटा स्टोर होता है वो डिस्क के अंदर स्टोर होता है, और डिस्क आपका एक मैग्नेटिक सर्कुलर प्लेट जैसा होता है दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ मेटल और अ प्लास्टिक कोटेड मैग्नेटाइज्ड मटीरियल. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फ्लॉपी डिस्क या सीडी प्लेयर में जो आपकी सीडीज आती हैं या डीवीडीज आती हैं उनको देखें, तो वो एक जनरल स्ट्रक्चर है आपके डिस्क का, कि एक सर्कुलर पोर्शन है जो कि कोटेड है किसी फिल्म से, और उसके अंदर कहीं पर कुछ डेटा जो है वो रिटन किया गया है और हम उसको रीड और राइट करते हैं उसके ऊपर. सो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है जो डायग्राम में गिवन है, दैट इज यू हैव अ सर्कुलर प्लेट, और वो जो सर्कुलर प्लेट है दैट इज डिवाइडेड इंटू ट्रैक्स. तो ये जो ब्लू कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, ये जो डिविजन है दैट इज, आप देख सकते हैं एरो में, ये ट्रैक्स हैं आपके. तो एक डिस्क के अंदर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, फिर ये सारे ट्रैक्स जो होते हैं ये सेक्टर्स के बीच में डिवाइडेड होते हैं. हर एक ट्रैक को हम लोग एक सेक्टर के अंदर डिवाइड करते हैं, और सेक्टर के अंदर फिर आपके ब्लॉक्स होते हैं, और बेसिकली ब्लॉक्स के अंदर डेटा रिटर्न होता है. तो जब भी अगर हम किसी फाइल को, या किसी वीडियो फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल्स हो सकती है, या व्हाट सॉर्ट ऑफ फाइल इट इज, अगर हम किसी फाइल को लोकेट करना चाहते हैं तो उसका हमारे पास एक ब्लॉक एड्रेस होता है कि वहां वो उस डिस्क में कहां पर राइट करी हुई है. तो जब भी अगर हम इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी भी डेटा की, तो सबसे पहले डिस्क कंट्रोलर को एक्टिवेट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिस्क कंट्रोलर को एक्टिवेट करता है या फिर डिस्क ड्राइवर्स को एक्टिवेट करता है मीनवाइल, तो वो डेटा हम लोगों को फेच कर देते हैं. तो ये जो इंटरैक्शन हमारा होता है हमारे डिस्क के साथ, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हार्डवेयर हुआ हमारे पास ये मेमोरी स्ट्रक्चर डिस्क का, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एक इंटरफेस की तरीके से, और वो डिस्क ड्राइवर के थ्रू ये डेटा हम लोगों को प्रोवाइड कराता है. अगर हम इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम से हम समझ सकते हैं. जो इससे पहले आप लोगों ने देखा था डायग्राम, दैट वाज अ सिंगल प्लैटर स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर आपके पास ये मल्टीपल प्लैटर्स हैं, आप देख सकते हैं जो सरफेसेस हैं आपके पास जो गिवन है, दैट इज सरफेस 0 से लेकर 9 तक. अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो वो डबल साइडेड जो है वो डेटा इसके अंदर स्टोर किया गया है. तो अगर हम सिंपल बात देखते हैं तो बहुत सारी डिस्क है जो कि एक तरीके से स्टैक कर दी गई है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्पिंडल बोला गया है. साथ में हमारे पास कुछ रीड राइट हेड्स हैं, एक आर्म है जिसका मोशन है, जैसे हम लोगों ने पुराने जमाने में ग्रैमोफोन आप लोगों ने देखा होगा, तो एक रीड राइट हेड होता है और वो मूव करता रहता है. सिमिलरली इसी तरीके से एक रीड राइट हेड पर सरफेस हमें गिवन है जो कि लोकेट करेगा मोशन को, जहां पर आपका डेटा वो मूव करेगी आपके डिस्क और वो डेटा को लोकेट करेगा. सो जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है हमारे पास, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क, और उन डिस्क को क्या बोला गया है, वो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे डिवाइडेड थे उनको बोला गया है ट्रैक्स, जो अभी आपने पहले देखा. अब वो ट्रैक्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में, और सेक्टर्स में आपके ब्लॉक होते हैं. तो यहाँ पे जो आपकी डिस्क है, दैट इज आपको 5 या 6 डिस्क यहाँ पर गिवन है जो कि डबल साइडेड है, और ये आपका एक मल्टी प्लैटर स्ट्रक्चर है. एक डिस्क को एक प्लैटर बोला गया है, और आपके साथ एक रीड राइट हेड उसके साथ एसोसिएटेड है, और ये जो आपकी डिस्क हैं ये दोनों सरफेस पे आप रीड और राइट कर सकते हैं. सो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो डिस्क होती हैं वो हमारे सिस्टम्स के अंदर क्या होती है, इंटैक्ट होती है. जो हमारा पूरा सीपीयू वाला बॉक्स या स्ट्रक्चर, अगर हम लोग एक डेस्कटॉप की बात करते हैं, तो वहां पर ये हमारे डिस्क जो है वो लोकेटेड होती हैं, और इन्हीं को हम अपनी ड्राइव्स के अंदर डिवाइड करते हैं. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास ये होता है.
अब अगर हम कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया है तो आप ये जो चारों इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको समझ पाएंगे। हेड मोशन जो है आपका, जो आपका रीड राइट हेड है, वो भी दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसके हार्डवेयर स्ट्रक्चर को, वो फिक्स हो सकता है या फिर मूवेबल हो सकता है। डिस्क की पोर्टेबिलिटी भी हम लोग सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम है तो हम अपनी डिस्क को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर परमानेंटली भी फिट कर सकते हैं कि वो रिमूव ना हो। या आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम लोग ये भी एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम लोग हार्ड ड्राइव्स या हार्ड डिस्क को जो है वो एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा हार्डवेयर किस तरीके का है। हमारी डिस्क नॉन रिमूवेबल है तो उसको हार्ड डिस्क लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी आती है जो एक एक्सटेंशन के तरीके से एक्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग रिमूवेबल डिस्क की बात करते हैं तो वो बेसिकली फ्लॉपी डिस्क या फिर आप अपने सीडीज और डीवीडीज को भी कंसिडर कर सकते हैं। साइड्स की बात करें तो वन साइड रीडेबल भी हो सकता है और डबल साइड रीडेबल भी हो सकता है। जो डायग्राम देखा था दैट वाज ऑफ डबल साइडेड। और प्लैटर की बात कर सकते हैं तो सिंगल और मल्टीपल प्लैटर हो सकता है, बट अब हमारे पास मोस्टली मल्टीपल प्लैटर्स डिस्क ही होती हैं। सिंगल प्लैटर इज अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी, सो वो अभी ज़्यादा यूजेबल नहीं होता है। सो दैट वॉज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द डिस्क। अब हमने ये तो देख लिया कि डेटा स्टोर होता है, ट्रैक्स है, ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स है, सेक्टर्स के ब्लॉक के अंदर डेटा स्टोर होता है, बट बेसिकली वो रीडिंग राइटिंग होती किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर डेटा को फेच करने के लिए कमांड सेट करता है कि भाई मुझे ये फाइल रीड करनी है, तो आप क्लिक करते हैं या फिर आप सर्च बटन, आप सिंपल आप सर्चिंग का ऑप्शन ले सकते हैं कि आप विंडो में किसी फाइल को सर्च कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको उस रीड राइट डिस्क के अंदर आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है तो आपको उसे एक्सेस करना है, आप सर्च करना चाहते हैं, तो क्या होगा, उसके लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करी जाएगी, एक सिस्टम कॉल एक्टिवेट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसका जो आपका डिस्क मैनेजमेंट होता है वो वाला मॉड्यूल जो है, जो आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट मॉड्यूल है वो एक्टिवेट होगा, मीन्स कर्नल का वो वाला फंक्शन चलेगा। अब वहां पर क्या होगा, वो किसके साथ एक्ट करेगा, वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है आपके लोअर लेवल ड्राइवर्स के साथ, जो होते हैं आपके टेप ड्राइवर्स एंड डिस्क ड्राइवर्स एंड डिस्क कंट्रोलर्स। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो आपके वो प्रोग्राम्स होते हैं जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। दैट इज वेयर द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कम इन टू व्यू। हम हर बार हार्डवेयर को खुद से एक्टिवेट नहीं करते हैं, हम सिंपल एक कमांड देते हैं, हार्डवेयर को एक्टिवेट करने का काम, इंटरफेस का काम जो करता है वो सिस्टम कॉल करता है। तो होता क्या है कि जब भी एक डिस्क ड्राइव ऑपरेट हो रही होती है तो जो डिस्क होती है वो बेसिकली एक स्पीड पर रोटेट करती रहती है, राइट? और रीड राइट हेड क्या करता है, उस ब्लॉक को ट्रैक करता है जिसकी रिक्वेस्ट सेंड करी गई है। ठीक है, तो हमने अपनी फाइल रिक्वेस्ट करी, रीड राइट हेड मूव कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिस्क कंट्रोलर को एक्टिवेट किया और कहा कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक, हर एक फाइल के साथ उसका एक ब्लॉक नंबर, उसका एक एड्रेस कि वो डिस्क पर कहाँ पर स्टोर है, वो एसोसिएट कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। तो जो रीड राइट हेड है उस तक वो सिग्नल्स जाते हैं। दिस इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल फंक्शंस विच आर ऑलरेडी रिटन, एड्रेस बेस्ड आर ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द डिस्क नंबर, डिस्क सरफेस, द सेक्टर नंबर एंड द ट्रैक ऑफ द सरफेस, मतलब उसका टोटल लोकेशन किस ट्रैक पे है, ट्रैक के कौन से सेक्टर में है, सेक्टर के किस ब्लॉक पर है, ये पूरा का पूरा एक उसका एड्रेस फाइल के साथ एसोसिएटेड होता है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन को फाइनली ट्रांसफर किया जाता है यूजर को। तो बेसिकली वो फाइल क्या बनाई जाती है, यूजर के लिए अवेलेबल कराई जाती है। तो ये उसका एक बैकग्राउंड है, डिटेल में हमें नहीं जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि काम किस तरीके से हो रहा है जब भी डिस्क आईओ की बात करी जाती है। तो दैट वाज द बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जिनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ऑल्दो अभी तक बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक्स के ऊपर से नहीं पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, बट स्टिल देर वर फ्यू क्वेश्चंस जो आए हैं जो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बट इनका बेसिक डेफिनेशंस आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो दे आर सर्टन डेफिनेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी तक पूरा डिस्क का स्ट्रक्चर देखा उसमें जो पहली डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए वो है सीक टाइम। अब सीक टाइम क्या होता है, सीक मीन्स किसी चीज को ढूंढना, सर्च करना, तो सर्च करने में कितना टाइम लगा, दैट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ योर सीक टाइम। सो द टाइम इट टेक्स फॉर द पोजिशन टू पोजिशन द हेड
एट द डिजायर ट्रैक इज नोन एज द सीक टाइम. मतलब हमने फाइल रिक्वेस्ट करी, फाइल में पूरा डेटा है, कौन सा सेक्टर, कौन सा ब्लॉक, समथिंग. अब रीड राइट हेड है, डिस्क आपकी रोटेट करती रहती है जब आपका सिस्टम ऑन होता है. तो वो जो रीड राइट हेड है, जब तक वो आपके ट्रैक पर नहीं पहुंच जाता, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, तो आपको नहीं पता कि इस समय रीड राइट हेड कौन से ट्रैक पर है. तो जब तक आपकी रिक्वेस्ट वाले ट्रैक पर वो पहुंचता है, उसमें जितना टाइम लगता है, दैट इज द सीक टाइम. नेक्स्ट आता है, दैट इज द रोटेशनल डिले और द रोटेशनल लेटेंसी. सी, रोटेशनल डिले या रोटेशनल लेटेंसी क्या है? वंस द ट्रैक इज सेलेक्टेड, द डिस्क कंट्रोलर वेट्स अंटिल द एप्रोप्रिएट सेक्टर रोटेट्स टू रीच अंडर द हेड. अब स्ट्रक्चर याद रहे, ट्रैक्स इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर. अब ट्रैक तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, वो तो हमारा सीक टाइम हो गया. अब हम ट्रैक पर आ गए हैं, लेकिन डिस्क रोटेट कर रही है, डेटा कहां पर है? सेक्टर, और सेक्टर के अंदर भी ब्लॉक, राइट? तो हमने क्या करा, सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है हमारा ट्रैक. तो हम ट्रैक पर तो आ गए, लेकिन जब तक वो मूव करके, बिकॉज वो रोटेशनली मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो जब तक आपके डिजायर्ड सेक्टर पे नहीं आ जाता, दैट इज द रोटेशनल लेटेंसी. क्योंकि वो रोटेट हो रहा है, तो घूमते हुए जब तक वो आपके सेक्टर पर आएगा, तब तक तो रीड राइट हेड कुछ नहीं करेगा, वेट करेगा डिजायर्ड लोकेशन के आने तक. तो दैट इज द रोटेशनल डिले और द रोटेशनल लेटेंसी. ठीक, तो ट्रैक तक पहुंचने का टाइम सीक टाइम. अब सेक्टर पे पहुंच गए, आप अपने ट्रैक पर पहुंच गए, यू आर वेटिंग फॉर द सेक्टर, दैट इज द रोटेशनल लेटेंसी. नेक्स्ट आता है आपका टोटल एक्सेस टाइम. अब एक्सेस टाइम इज द समिशन ऑफ द सीक टाइम एंड द रोटेशनल लेटेंसी. बिकॉज आपको अल्टीमेटली ब्लॉक कब मिलेगा? जब ट्रैक और सेक्टर मिल जाएंगे. तो दोनों को मिलाकर जितना टाइम लगा, उतना टाइम लगा आपके एग्जैक्ट डेटा तक पहुंचने में. तो दैट इज द एक्सेस टाइम. और लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज द ट्रांसफर टाइम. कि आप डेटा तक तो पहुंच गए हैं, अब नाउ यू नीड टू ट्रांसफर दिस डेटा टू योर यूजर. ठीक है, तो डिस्क पे से तो डेटा रीड करा है, अब आपको उसका रेफरेंस किसको पहुंचाना है? उस यूजर तक पहुंचाना है, या उस एप्लीकेशन तक पहुंचाना है जिसने डेटा की डिमांड करी थी, राइट? सो दैट इज द ट्रांसफर टाइम, दैट इज द टाइम ऑफ द डेटा ट्रांसफर टू द यूजर, बेसिकली इज रेफर्ड टू एज द ट्रांसफर टाइम. तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक था जो आपको डिस्क के बारे में पता होना चाहिए. स्टिल आई विल बी एडवाइजिंग कि अगर शॉर्ट नोट आता है तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बाद अभी हम लोगों को डिस्क शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल करने हैं. मीन्स कि ये जो ट्रैक पे डेटा है, ब्लॉक है, उसको हम किस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं कि वो जो रिक्वेस्ट है हमारी, वो जितनी जल्दी से प्रोसेस हो सके, हम डेटा को जितना जल्दी एक्सेस कर सके. तो उसके कुछ हमारे पास एल्गोरिदम्स होती हैं, दैट वी विल बी लुकिंग इन द अपकमिंग वीडियोस. आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, देन यू फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज.